वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आपके लिए इस वीडियो में कक्षा नाइन्थ की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर संत रविदास लेकर आया हूं। तो दोस्तों, चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु रविदास इज हेल्ड एज द लाइब्रेटर ऑफ द कॉमन पीपल, रिप्रेजेंटेटिव द वॉइस ऑफ रिवोल्ट ऑफ द सप्रेस्ड एंड नॉन प्रिविलेज्ड ह्यूमैनिटी। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव बनता है कि रविदास को सामान्य लोगों के मुक्तिदाता के रूप में माना जाता है और मानवीय विशेषाधिकार से हीन और दबे कुचले लोगों के आंदोलन का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो जो दबे कुचले लोग थे, गरीब जनता थी जिन्हें दबाया गया था, उनके आंदोलन को प्रेजेंट करने के रूप में उनको जाना जाता है। ही वॉज अ कोबलर, वन अमॉन्ग द अनटचेबल्स। तो दोस्तों, वह एक मोची थे, अछूतों के बीच वह एक मोची थे, अछूतों में से वह एक मोची थे, कोबलर थे। तो ऑब्जेक्टिव हमारा बनेगा कि रविदास, संत रविदास वॉज अ कोबलर, वन अमॉन्ग द अनटचेबल्स, अछूतों में से एक। द फैमिली ऑक्यूपेशन वॉज मेकिंग लेदर आइटम्स लाइक ब्रीडल्स फॉर द हॉर्सेस ऑफ द रिच एंड द एरिस्टोक्रेट्स। तो जो फैमिली की जो ऑक्यूपेशन थी, पेशा था, वह धनी और उच्च वर्गीय लोगों के घोड़ों के लिए चमड़े की लगाम बनाने था। मतलब उनका चमड़ा के आइटम्स, लेदर्स आइटम्स बनाना था, जैसे ब्रीडल्स। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ मांडूरगढ़। उनका जन्म हुआ था मांडूरगढ़, आउटस्कर्ट्स ऑफ काशी बनारस। तो बनारस के बाह्य इलाके मांडूरगढ़ में उनका जन्म हुआ था। द सिटाडेल ऑफ ऑर्थोडॉक्सी एंड ऑब्सक्यूरिज्म समटाइम बिटवीन 1376 एंड 1377। तो 1376 और 1377 के बीच जो समाज जो था उस समय, ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़िवादी और रूढ़िवादितापन का जो गढ़ था, उसी के बीच उनका जन्म हुआ था मांडूरगढ़ में। तो मांडूरगढ़ याद रखिएगा, काशी के आउट बाहरी भागों में। ही वॉज बॉर्न ऑन अ संडे, रविवार। उनका जन्म रविवार को हुआ था एंड हेंस हिज नेम रविदास, इसीलिए उनका नाम भी रखा गया रविदास। ही इज ऑल्सो कॉल्ड रैदास। रविदास को रैदास भी बोला जाता है। तो रविदास को रैदास भी बोला जाता है। एट दैट टाइम, उस समय अनटचेबिलिटी वाज प्रैक्टिस्ड विथ फुल रिगर। तो उस समय जो अनटचेबिलिटी थी, जो छुआछूत, अस्पृश्यता अपने मतलब एक कठोर रूप लिया था, प्रैक्टिस में था, प्रचलन में था। व्हेन रविदास बिगेन टू वर्शिप गॉड शालिग्राम, जब रविदास भगवान शालिग्राम की पूजा शुरू किए। शालिग्राम याद रखिएगा, शालिग्राम जन्म मंटूर, वह एक क्या थे, कोबलर थे, उनके पिता लेदर के ब्रिडल्स बनाने के काम करते थे। तो जब वो एक बार गॉड शालिग्राम की पूजा शुरू किए, द पंडित्स ऑफ काशी रोज इन अपोजिशन, तो जो काशी के जो ब्राह्मण थे उनके विरोध में आ गए। हाउ एवर यद्यपि, इन द फेस ऑफ एडवर्स सरकमस्टांसेज, रविदास बाय डिंट ऑफ पाइटी वर्च्यू स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स एंड एक्सट्रीमली कंडक्ट एंड करेक्टर एंड फार्स पर्सनैलिटी रोज नॉट ओनली टू बी अ ग्रेट रिलीजियस गुरु ऑफ द पीपल बट ऑल्सो कम टू जाव हैव एमोंग हिज डिसिपल्स पोएट्स मीराबाई एंड अदर नोटेबल मैन एंड वूमन। तो यहाँ जब वो शालिग्राम की पूजा शुरू करते हैं तो जो काशी के पंडित ब्राह्मण थे उनके विरोध में आ जाते हैं, लेकिन अपने विकट प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद रविदास अपने पाइटी, धर्म
भक्ति वर्चू गुण और आध्यात्मिक योग्यता अटैनमेंट्स योग्यता के कारण एग्जाम्पलोरी कंडक्ट और अपने अच्छे कंडक्ट व्यवहार के कारण और चरित्र के कारण फास्ट पर्सनालिटी और एक मतलब एक बलशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरे और वह क्या आगे बनते हैं रोज नॉट ओनली टू बी अ ग्रेट रिलीजियस गुरु ऑफ पीपल, वह केवल धार्मिक लोगों के गुरु के ही रूप में नहीं उभरे बट ऑल्सो कम टू हैव एमोंग हिज डिसिपल्स उनके जो शिष्य थे उनके शिष्यों में पोएट्रेस मीराबाई, एक पोएट्रेस मीराबाई भी थी पोएट्रेस मीराबाई एंड अदर नोटेबल वन और दूसरे उल्लेखनीय भी आदमी थे, औरतें भी थी, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है रानी जाली टुक दीक्षा फ्रॉम हिम, रानी जाली थे चित्तौर की उनसे शिक्षा ली। टू दिस डे आज तक अ टेम्पल एंड अ मॉन्यूमेंट ऑफ रविदास स्टैंड इन द कोर्टयार्ड ऑफ प्रयाग कुंभ मंदिर इन द पैलेस ऑफ चित्तौड़। तो दोस्तों आज भी चित्तौड़ के महल में प्रयाग कुंभ मंदिर के कंट्रियार्ड प्रांगण में संत रविदास का एक स्मारक आज भी लगा हुआ है। तो चित्तौड़ के प्रयाग मंदिर के प्रांगण में कंट्रियार्ड में रविदास का मॉन्यूमेंट स्मारक आज भी है। तो दोस्तों यदि यहाँ तक के जो मुख्य पॉइंट्स हैं इनको हम समराइज करें तो हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट उभर कर सामने आते हैं वह है कि रविदास को एक कॉमन लोगों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है और दबले कुचले लोगों की जो आंदोलन थी उसको रिप्रेजेंटेटिंग प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में जाना जाता है। दूसरा पॉइंट बनता है कि उनकी पेशा क्या थी, तो ही वॉज अ कोबलर, वह एक मोची थे और उनके परिवार की पेशा थी बड़े और कुलीन लोगों के लिए लेदर के सामान बनाना और वे शालिग्राम की जब पूजा शुरू करते हैं तो काशी के पंडित लोग बहुत पुरजोर विरोध करते हैं और अपने धार्मिक दृष्टिकोण अच्छे व्यवहार सांस्कृतिक नॉलेज के कारण वह एक सामान्य लोगों के ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उल्लेखनीय लोगों के भी गुरु के रूप में उभरते हैं जिनमें उनके शिष्यों में जो हमें नाम याद रखने की ज़रूरत है वो है पोएट्रेस मीराबाई और रानी जाली जो चित्तौड़ में। और अगला पॉइंट याद रखना है कि चित्तौड़ के महल जो प्रयाग कुंभ मंदिर है उसी के प्रांगण में आज भी रविदास का एक स्मारक का मंदिर लगा हुआ है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश विद दिलीप सर। तो चलिए दोस्तों आज अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला लाइन कि कैप्रिजन्ड एलिफेंट्स यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स नंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स एंड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ऑल वेंट एन इम्प्रेसिव प्रोसेशन ऑफ बनारस फ्रॉम चित्तौड़। तो दोस्तों सजे धजे हाथियाँ वर्दीधारी सोल्जर्स और शाही दरबार के जो सदस्य थे एक्सपेंसिव प्रेजेंट के साथ महंगे उपहारों और विभिन्न प्रकार के फलों के साथ चित्तौड़ से यहाँ से देखिएगा चित्तौड़ से बनारस की ओर इम्प्रेसिव प्रोसेशन एक प्रभावशाली जुलूस लेकर वहाँ पे जा रहे थे। देवर सेंट बाई क्वीन जाली ऑफ चित्तौड़, वे लोग क्वीन जाली के द्वारा भेजे गए थे। देवर मिट नॉट अ किंग और अन इम्पेरर, वे किसी राजा या महाराजा से मिलने वाले थे नॉर अ पोटेंटेट और अ प्रिंस, न ही किसी राजकुमार से बट अ पाउर बल्कि एक भिखारी से, एक दीनहीन हु आर द सेंट ऑफ सेंट्स जो संतों का संत था, द वेरी इम्बॉडीमेंट ऑफ वर्चू एंड पाइटी जो धर्मनिष्ठ और गुणों का इम्बॉडीमेंट था, एक अवतार था, द
possession winded its way to a small hut and stopped its dead. जो जुलूस थी वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास जाकर रुकती है रास्ते में और उसके दरवाजे पर रुकती है, एक छोटी सी झोपड़ी के पास रुकती है. They went there to honor and river the saint there. वे लोग वहाँ पे उनकी मान सम्मान करने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए गए. This small hut was the sacred abode of godly रविदास. यह छोटी सी जो झोपड़ी थी वह भगवान रविदास की एक अवार्ड था, एक पवित्र निवास स्थान था. द सेंट हु प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड फॉर ओवर 100 ईयर्स टू रिफॉर्म सोसाइटी, टू एडुकेट कास्ट डिस्टिंक्शंस, इग्नोरेंस एंड प्रिजुडिस. तो ये जो स्थान था, द संत, जो संत हु प्रीच्ड एंड प्रैक्टिसाइज्ड फॉर ओवर 100 ईयर्स, जो 100 वर्षों तक उपदेश दिए समाज सुधार, कास्टिज्म को इरेडिकेट करना, जो कास्ट जातीय व्यवस्था उसको समाप्त करना, और जो हमारी अज्ञानता है और प्रिजुडिस है, हमारी जो अंधविश्वासें हैं, इसे रिफॉर्म करने के लिए, सुधारने के लिए वह सैकड़ों वर्षों से ज़्यादा प्रीच दिए, उपदेश दिए. अर्थात वह हमारे समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अज्ञानता, जो भी कुरीतियाँ थी उन्हें दूर करने के लिए उपदेश देते थे. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि वाज इन द लेटर हाफ ऑफ द 14th एंड अर्ली पार्ट ऑफ द 15th सेंचुरीज इन नॉर्थ. तो याद रखिए दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के बीच यह अपने उपदेशों को देते रहे. क्षेत्र की बात करें तो ये आपका, तो इनका बनारस के तरफ जन्म हुआ था, मांटुरगढ़ में. तो दिस वॉज अ पीरियड ऑफ डार्कनेस. तो दोस्तों याद रखिएगा, यह एक जो पीरियड था, जो आपके 15th सेंचुरी थी, 14th टू 15th सेंचुरी, 15वीं हाफ सेंचुरी के जो बीच का पीरियड था ये दोस्तों, तो वह एक डार्कनेस था, अंधेरेपन का था. फॉरेन ऑपरेशन, विदेशी अत्याचार, ह्यूमिलेशन, हीनता एंड डिवास्टेशन फॉर इंडिया, भारत के लिए बर्बादी का एक काल था. देयर वॉज अ सक्सेशन ऑफ इन्वेडर्स, उसमें बहुत से विदेशी आक्रमण हुए. द गजनीज, गोरी, स्लोवे डायनेस्टी एंड खिलजी. तो ये लोग मुख्य रूप से भारत पर उस समय आक्रमण किए थे. खिलजी लोकल कल्चर, रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस वेयर साउट टू बी डिस्ट्रॉयड. जो भी लोकल कल्चर थे, जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ थी, धर्म थी, जो प्रचलन में थी, वे लोग बर्बाद होने वाले थे. द नेटिव सिटीजन्स हैड नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड देयर मोरल वॉज वेरी लो. अब जो नेटिव लोग थे दोस्तों, उन्हें तो कोई सिक्योरिटी की भावना ही नहीं थी, और उनके जो मोरल थे, उनके जो कॉन्फिडेंस थे, विश्वास थे ना, वो भी बहुत कम हो गए थे. तो उनमें हीनता की भावना आ गई थी. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ग्लूम, इस ग्लूम की पीरियड में, इस विषाद और निराशा के अवधि में, देयर अपीयर्ड ऑन द नेशनल सीन, तो राष्ट्रीय परिदृश्य में स्वामी रामानंदा का एक प्रकट होते हैं, मतलब उनका विकास होता है. एंड हिज डिसिपल्स, और उनके जो डिसिपल्स थे, जो शिष्य थे, लाइक रविदास एंड कबीर, रविदास और कबीर. तो दोस्तों रविदास और कबीर रामानंद स्वामी के शिष्य थे. एंड गुरु नानक एंड अदर सिख गुरु, और गुरु नानक थे और जो दूसरे सिख गुरु थे, दे रिवाइव्ड एंड रिवैम्प्ड द स्पिरिट ऑफ द पीपल. तो लोगों के उत्साह को वह पुनः जीवित किए. तो जो भी हमारे गुरु थे, धार्मिक गुरु थे, जो स्वामी रामानंदा हो, या उनके दो शिष्य रविदास कबीर हो, या गुरु नानक जो सिख गुरु हैं, और इनके जो भी अनुयायी थे, तो सबसे पहले लोगों के जो कॉन्फिडेंस जो लो हो गए थे, उनमें जो उत्साह की कमी आ गई थी, उसे रिवाइव्ड किए, रिवैम्प्ड किए, फिर से उत्पन्न किए बाय देयर टीचिंग्स, एग्जर्टेशंस एंड स्ट्रगल्स, अपने संघर्षों और उपदेशों के सहारे, उद्घोषण के सहारे. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रविदास सेंट्रल टीचिंग वाज द हु वर्शिप गॉड बिकम्स अ मैन ऑफ गॉड. उनका जो
उपदेशों का जो मुख्य आधार था कि जो ईश्वर की पूजा करता है वह ईश्वर का आदमी हो जाता है, वह ईश्वर बन जाता है। हाई एंड लो कास्ट आर मीनिंगलेस एंड अब्जर्ड। जो हाई और लो कास्ट करते हैं, जो ऊंच नीच की हम जातियों की बात करते हैं, वह मीनिंगलेस है, अर्थविहीन है और अब्जर्ड है, बेतुका है। ही ब्रॉड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज टू द हुमलिस्ट व एंड लोयलिस्ट एंड द लॉस्ट अनटचेबल्स। तो जो छुआछूत में अपने आप को लोयलिस्ट, सबसे नीच और कमज़ोर मानते थे, नम्र थे, उनके लिए वो ये सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज, आत्मसम्मान को लेकर आए। ऑल आर इक्वल एंड देयर इज ओनली यूनिवर्सल मैन एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ इक्वालिटी, फैटर्निटी एंड स्पिरिचुअल अटैनमेंट्स। उनके अनुसार सारे लोग बराबर थे और केवल वही आदमी आनंद ले सकता है जो इक्वालिटी का, इक्वालिटी हो, समानता हो, फैटर्निटी भाईचारा हो और स्पिरिचुअल अटैनमेंट हो, अर्थात आपकी आध्यात्मिक उपलब्धि हो, वही व्यक्ति अपने जीवन का आनंद ले सकता है। ही वेक्ड दोस्तों यहाँ से हमारा फिर ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कैसे युद्ध आंदोलन चलाए। तो ही वेक्ड अ रिलेंटलेस वार ऑन कास्ट एंड कास्टसिज्म। तो लड़े, वेक्ड मिस होगा लड़ा, अथक रिलेंटलेस मिस होगा दोस्तों अथक। तो वह एक अथक लड़ाई कास्ट और कास्टिज्म, जाति और जातिवादी प्रथाओं के खिलाफ लड़े। तो याद रखिएगा रिलेंटलेस ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। और कास्ट और कास्टिज्म, ही सफर्ड बट डिड नॉट गिव अप। वो बहुत पीड़ित हुए, बहुत उन्हें दुख हुआ, लेकिन वो कभी हार नहीं माने। गिव अप मीन्स छोड़ना होता है दोस्तों। टिल हिज लास्ट डेज, अपने अंतिम दिनों में भी रविदास स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमन एंड कास्टिज्ड द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अपने अंतिम दिनों में भी वह मनुष्य और महिलाओं में, मतलब स्त्री पुरुष के बीच समानता की बात किए, एंड कास्टिज्ड द इविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी, और जो अस्पृश्यता की ये जो बुराई है ये कास्टिज्ड किए, उसे दूर करने का प्रयास किए। ही स्ट्रोव फॉर द अपील अपलिफ्ट द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थ्रू हिज सर्मन्स एंड प्रीचिंग्स। तो वो अपने प्रहसन व्यंगों और अर्थात अपने उपदेशों के द्वारा, दोस्तों इसका हिंदी अंत से निकलेगा, उपदेशों के द्वारा समाज के जो भी बैकवर्ड सेक्शंस थे, जो भी डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड सेक्शंस थे, जो भी हताश निराश पिछड़े लोग थे, उन्हें अपलिफ्ट, उन्हें ऊंचा करने का, आगे बढ़ाने का वो प्रयास किए। रविदास ग्रेटनेस लाइज इन द फैक्ट दैट ही वॉज फाउंड वर्दी इनफ टू हैव 40 ऑफ हिज वर्स इंक्लूड इन गुरु ग्रंथ साहिब द सेक्रेट बुक ऑफ द सिख। दोस्तों जो सिख लोगों की एक पवित्र पुस्तक है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, क्या गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें 40 वर्स, उसमें 40 लाइन, 40 वर्सेज मिलते हैं, कविताएं मिलती हैं जो रविदास की हैं। इससे उनके महत्व का पता चलता है कि वह किस रूप में है, इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी। आफ्टर अ लैप्स ऑफ अबाउट 600 ईयर्स, 600 वर्षों की बाद भी सेंट रविदास इज रिवर्ड एंड वर्शिप्ड। आज भी संत रविदास को सम्मानित किया जाता है और पूजा जाता है, नॉट ओनली बाई हिज फॉलोअर्स, केवल उनके अनुयायियों के द्वारा ही नहीं, बट ऑल्सो बाई पीपल एट लार्ज एंड ऑक्युपाइज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द रिलीजियस हायरार्की। तो आज भी जो धार्मिक पदानुक्रम में जो बड़े पद हैं, जो बड़े लोग हैं, अग्रणी लोग हैं, उनके द्वारा भी उनके उनकी पूजा की जाती है। गुरु रविदास, हिज आइडियोलॉजी एंड टीचिंग्स हैव ग्रेटर रिलीवेंस टुडे। तो गुरु रविदास की जो विचारधारा थी और उनके जो उपदेश हैं आज भी रिलीवेंस है, आज भी सार्थक है, आज भी उपयोगी है। देन ओवर बिफोर संत रविदास वार ऑन कास्ट शुड बी आवर इंस्पायरेशन। और आज जो रविदास की जो कास्ट के खिलाफ जो युद्ध थी, जो
वो हमारे लिए क्या एक प्रेरणा होना चाहिए, एक इंस्पायरेशन होना चाहिए कि आज हमें अपने समाज में व्याप्त कास्टिज्म, धार्मिक उन्माद जो भी हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। रविदास वाज अ ग्रेट यूनिफायर। दोस्तों यहाँ से फिर एक और ऑब्जेक्टिव बनता है हमारा कि रविदास एक ग्रेट यूनिफायर थे, एक तब मैंने यूनिफायर थे, लोगों को एक करने वाले थे, एक महान यूनिफायर थे, एकता के प्रतीक थे। ही स्टूड फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड और वह अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा के लिए लड़े। टुडे मनी पावर एंड मस्कल पावर हैव द अपर हैंड। दोस्तों आज जो मनी पावर है और मस्कल्स पावर है, जो फिजिकल पावर है, ये आज प्रथम स्थान पे आता है। इसकी महत्व आज हमारे समाज में ज़्यादा है। रविदास सोड अटर डिसरिगार्ड फॉर मनी, लेकिन हमारे जो संत रविदास थे वह पैसे के लिए एक डिसरिगार्ड शो किए थे, मतलब उसको बहुत सम्मान नहीं दिए थे। इट इज़ सेड डैट, यह कहा जाता है कि रविदास न्यू डैट एल्केमी। रविदास कोई एक एल्केमी जानते थे, मतलब कोई एक विधा जानते थे, गिवेन टू हिम बाय द डिवोटी ऑफ हिज विच कुड चेंज, जो उनके शिष्यों के द्वारा दिया गया था, मतलब उनके शिष्यों के पास था कि विच कुड चेंज, जो बदल सकते थे। दोस्तों यहाँ पे गिवेन जो लिखा है ना, गिवेन टू हिम मतलब उनके उन्हें दिया गया था बाय द डिवोटी, भक्तों के द्वारा, जो उनके भक्तों के द्वारा दिया जाता है, विच कुड चेंज एनी मेटल इंटू गोल्ड, जो किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल सकते थे, सोने में बदल सकते थे। मैंने कोई भी मेटल उनके पास जो हो तो उनमें ऐसी क्षमता थी कि उसे वो सोने में बदल सकते थे। रविदास सेड, रविदास ने कहा कि हिज एल्केमी वाज राम नाम एंड द गॉडनेस ऑफ मैन हाई और लो। वो कहते हैं कि उनकी जो एल्केमी थी, उनकी जो विद्या थी, वह था राम नाम की धुन, एंड द गुडनेस ऑफ मैन और मनुष्यों की अच्छाई, और हाई और लो अच्छे या बुरे लोगों की जो अच्छाई थी वही थी वो विद्या। ही नेवर टॉच्ड इट, वे कभी पैसे को हाथ नहीं लगाए, एंड इट वॉज रिटर्न टू द डिवोटी, और जब भी कोई भक्तगण उन्हें पैसा देता था तो वह उसे वापस कर देते थे। वाट एवर हिज डिसिबल्स एंड डिवोटीज कंट्रीब्यूटेड, ही स्पेंट ऑन साधुज एंड टेम्पल्स फॉर पुअर एंड द स्टार्विंग। तो जो भी उनके शिष्य उन्हें देते थे तो वह उसे अपने साधुओं पे, मंदिरों पे, और गरीब हीन और भूख से मरने वाले लोगों पे, मतलब गरीब दिन दुखियों पे खर्चा कर देते थे। He lived and died for mankind. दोस्तों फिर यहाँ पे एक लाइन बनता है, He lived and died for mankind. वे जिए और मनुष्य, वे मनुष्यों के लिए जिए और मनुष्य के लिए ही मरे, मानव जाति के लिए। And it was his mission, और यही उनका एक मिशन था, उद्देश्य लक्ष्य था। And it was his mission to make society free from casteism, orthodoxy and ignorance through godliness and passive assertion and preaching. तो इनका जो उद्देश्य था कि समाज को जातिवादी, रूढ़िवादिता और अज्ञानता से अपने उपदेशों के माध्यम से दूर करना था, समाप्त करना था। अर्थात एक ऐसी समाज की वह कल्पना करते थे जो जातिवादी विचारधारा से क्या हो, मुक्त हो। नो वंडर इवन टूडे, आज भी कोई आश्चर्य नहीं है, रविदास साइंस एंड हिज इज adored एंड worshipped by millions in country even after the over 6 centuries. तो दोस्तों 600 वर्षों के बाद भी आज रविदास को पूजा जाता है, उनको सम्मान की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के जो मौखिक सारांश है लाइन बाई लाइन वो समाप्त होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप चैनल पर यदि नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।